Long years ago we made a twist with destiny and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. freedom, 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 freedom. <laughs> है ये बात परीक्षा करनी है पास रोक के रखना अपनी सास अपनी एक ही आस एक ही आस हाँ हाँ पीछे सारे मंत्र और ले सारे फॉर्मुले जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस ना तू ले तो इस बार तू आड़ दे छह फुट अंदर गाड़ दे आसमा को फाड़ दे, दे अंदर की आवाज़ सुन जो तेरे भीतर आई है

नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकर्स वे पर मेरा नाम है विशाल परिहार और आप लोगों का स्वागत है अगेन इस सेशन में हर दिन सुबह सात बजे करते हैं हम लोग द हिंदू ऑडिटोरियल का डिस्कशन वही डिस्कशन दोस्तों हम लोग आज शुरुआत करते हैं और मैं अपनी आवाज भी सुन लू बस सही आ रही है बढ़िया फर्स्ट क्लास आइए आज की देखो बढ़िया पॉजिटिव मोटिवेशनल कोट ये पुराना एक कोट है मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग अपने दिमाग में रखो देखो कितनी शानदार बात लिखी हुई है लक्ष्य के बिना जीवन बिना पते लिफाफे की तरह है जो किसी मुकाम पर नहीं पहुंचता अपना अपना लक्ष्य बताएं आप लोग अभी मैंने कमेंट में भी देखा किसी ने पूछा एनी एसएससी एस एनी बैंक एस्पेरेंट आप लोग पूछ रहे थे एक बार आज के लिए आप लोग अपना अपना गोल जरूर बताना जो लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी दोस्तों जरूर बताना गोल होना जरूरी है ये मत सोचना कि हम तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं ऐसे ही से मतलब नहीं है आपको कुछ तो गोल होगा जो आपका एक एग्जाम को फोकस करते हुए जा रहा होगा जो भी आपका गोल होता है ना उस गोल के हिसाब से आप लोगों को पढ़ना होता है और उसी के हिसाब से ही आप आगे बढ़ पाते वही तो आपको मोटिवेशन देगा तो आज आप अपना गोल जरूर बताएंगे और सबका गोल होना बहुत जरूरी है ये बात भी सब लोग ध्यान रखेगा है ना चलिए शुरू करते हैं आज के आर्टिकल जो पढ़ने

एक रूल आया था फेबर में कल आप लोगों ने यूट्यूब पर कई सारी अलग अलग चैनल्स पर वीडियोस देखी होंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम है ना ट्विटर इन सबको एक आईटी टी एक आई टी रूल है उसको मानना था जिसमें उनको कई सारी चीजों को कंप्लाई कर रहा था वो अभी तक नहीं कर पाएंगे तो इन्हें बंद करना पड़ेगा ऐसे करके था बट ऐसा तो है नहीं कि नहीं कंप्लाई कर पाए बंद कर पाए अभी उसको लो आगे एक्सटेंड ही कर दिया जाएगा तो क्या है रिलेशन वैसे भी अच्छे नहीं चल रहे इंडियन गवर्नमेंट के ट्विटर वाला कल पड़ा हम लोगों ने व्हाट्सएप का तो काफी टाइम से चल ही रहा है प्राइवेसी पॉलिसी वाला चेक करना तो डिटेल डिस्कशन ही करेंगे ये भी हमारे काम की चीज है यहां आ जाओ दोस्तों लो पैलेस्टाइन दिया हुआ ये पूरा का पूरा आर्टिकल हम्म गाजा और इसराइल दोनों के बीच की जो झगड़ा है उसी झगड़े को लेकर दिया हुआ क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है और वो सोल्यूशन क्या है वो सोल्यूशन यहां पर है कि दोनों बातचीत करके ही से निपटाएं वो पूरी पूरी बात यहां पर दी हुई है मतलब एक कोई एक चीज नहीं दी पूरा पॉइंट सारे के सारे वही दिए हुए हैं तो ये आपको है पढ़ने के लिए आर्टिकल दोस्तों दिया हुआ है आपको मालूम है दो दिन पहले ही बातें हम ये पढ़ रहे हैं मिकोर माइकोसिस मिकोर माइकोसिस जिसे साधारण भाषा में हम फंगस बोलते हैं ब्लैक फंगस सो मीकोर माइकोसिस काफी कम आ रहे हैं हालांकि दस दिन पहले अगर आप देखो पंद्रह दिन पहले देखोगे तो केसेस काफी ज्यादा थे अब वो केसेस कम आ रहे हैं क्योंकि लोगों को क्योंकि डॉक्टर्स को पता चलने लग गया है लोगों को पता लग गया है की थोड़ी बहुत भी दिक्कत होगी तुरंत डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि थोड़ा बहुत आंख में किसी को प्रॉब्लम भी हुआ था या थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हुआ तो यूजअली आ, जो लोग हैं वो डॉक्टर के पास जाना प्रेफर नहीं करेंगे ठीक है थोड़ा बहुत सही हो जाओ है ना जब तक कि कोविड के जैसे कोई सिम्टम ना हो बट ये उससे भी ज़्यादा और खतरनाक चीज़ें हो रखी है फिलहाल अभी केसेस कम है क्यों है तो उसमें बेसिकली हमने स्टेरॉइड पढ़ा था स्टेरॉइड का इस्तेमाल हर सिचुएशन में नहीं करना है ऐसे करके कुछ बातें दी हुई थी तो ये अपने लिए पढ़ने के लिए थोड़ा मैं इसको रीडिंग करके बताऊँगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा ठीक है आ जाओ इधर आ चलते हैं नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर अगेन वैक्सीनेशन को लेकर दिया वैक्सीनेशन कराएंगे तो बढ़िया रहेगा बट इधर आवर टेकल दोस्तों डेटा दिया हुआ है चेन्नई में हुई डेथ्स का डेटा यह डेटा मतलब जनरल डेथ वाला भी है डेटा और कोविड से हुई डेथ का भी डेटा है एक एवरेज जो कुछ वर्षों में डेथ हुई उसका भी डेटा है आप पढ़ोगे डेटा के हिसाब से काफी कुछ समझ में आएगा जैसे चेन्नई सो ओवर ट्वेल्व थाउजेंड मोर डेथ्स इन ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेल्व थाउजेंड ज्यादा डेथ हुई इन ट्वेंटी ट्वेंटी Of the five years. तो पाँच पिछले सालों का एवरेज देखिए तो उससे ज्यादा बारह हजार और ज्यादा डेथ हुई है ए 20 years, तो पिछले पांच वर्षों से देखा जाए तो ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज़ है डिकेट so, तो ऐसे करके हमारे सामने डेटा दिया है क्यों है इसके पीछे कुछ कुछ रीजन दिए कि मोटैलिटी यानी कि जो मृत्यु है मृत्यु दर है वो बढ़ गई है उसमें एक्सेस हो गया है ऐसे करके पॉइंट दिए हुए हैं तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसे जरूर पढ़ेंगे बफरिंग हो गया क्या अब ठीक है स्टक हो गया था अब ठीक है डन ओके ओके ठीक है समझ गए तो हम इनको पढ़ते हैं और आ जाओ और अब हम पढ़ लेते हैं इनकी वो कैप को तो वो कैप पर आ चलते हैं दोस्तों एक एक करके वो कैप नोट करते हैं सब लोग और फटाफट से वो कैप नोट करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है दोस्तों पहला वर्ड आपके लिए दैट इजेशन वर्ड के लास्ट में दोस्तों ओ एन दिया होता है नाउन की तरह यूज होता है ये भी नाउन की तरह ही यूज हुआ है secession. Secession का मतलब क्या है किसी भी चीज का रुक जाना किसी भी चीज का एंड हो जाना किसी भी चीज के एंड समापन पर पहुंच जाना दैट इज दी सेशन तो हमने लिखा दी फैक्ट और प्रोसेस ऑफ एंडिंग और बीइंग ब्रॉड टू एन एंड मतलब एक ऐसा फैक्ट या फिर प्रोसेस किसी चीज के अंत तक आने का प्रोसेस अंत तक आने का कोई भी चीज जो फैक्ट होता है उसको हम कहते हैं ये नाउन की तरह दोस्तों यूज होता है समापन हमने यहां पर हिंदी में लिख दिया याद रखिएगा है ना वर्ड है, है, है कोई भी चीज जो वेग होती है उसको हम कहते हैं है, है। तो कोई चीज होती है अनसर्टेन होती है, को हम है, कि वो चीज़ है। तो आपने ऑफ अनसर्टेन इनडेफिनेट या फिर अनक्लियर कैरेक्टर और अनक्लियर मीनिंग किसी चीज का कैरेक्टर और मीनिंग जो है वो अनक्लियर है अस्पष्ट है उसको हम कहते हैं वेग ये आपका दोस्तों एडजेक्टिव की तरह यूज होता है इसको याद रखेगा ठीक है अगला वर्ड है मियाजमा मियाजमा आपके लिए नया वर्ड हो सकता है मियाजमा का बेसिकली मतलब क्या है कोई भी किसी प्रकार का खराब एटमोसफियर खराब माहौल जो आपके आसपास है वो आपका मियाजमा कहलाता है किसी भी चीज की वजह से वो खराब माहौल हो रहा है तो उसको हम कहते हैं मियाजमा यह आपका नाउन की तरह दोस्तों यूज होता है हम लिखा एन ऑपरेसिव और अनप्लीजेंड एटमोसफियर ऑपरेसिव मतलब दबाया कुचला जा रहा है तो ऐसा एटमोसफियर या फिर अनप्लीजेंड एटमोसफियर विच सराउंडेट्स फ्रॉम समथिंग जो किसी वजह से एमिनेट होता है उभर के सामने आता है या फिर सराउंड होता है उसे हम कहते हैं मियाजमा

ठीक है अगला वर्ड है शन एस एच यू एन शन शन आपका वर्ब की तरह यूज होता है जिसका मतलब है परसिस्टेंटली अवॉइड करना मतलब लगातार किसी चीज से दूर रहना इग्नोर करना या रिजेक्ट करना समवन और समथिंग थ्रू एंटीपैथी और कौशन मतलब उसको कुछ ना कुछ सचेत करके कि नहीं इसमें ये दिक्कत हो सकती है इसमें दिक्कत हो सकती तो आप तो दूर रहो तो ऐसे करके उसे कौशन देते हुए आपको किसी को दूर रखना आपका शन कहलाता है वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है इसको आप लोग याद रखिएगा ठीक है ये वर्ब की तरह यूज हुआ है अगला वर्ड है इनएक्सप्लीकेबली तो इनएक्सप्लीकेबल आपका बना है एडजेक्टिव से एडवर्ब लग गया है जिसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके सो इन वे दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन और कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर किसी चीज का दायित्व ना ले सके और ना ही उसे एक्सप्लेन किया जा सके इस कॉल्ड इनएक्सप्लीकेबली आपका एडवर्ब की तरह दोस्तों यूज हुआ है तो एक ऐसा तरीका आपका एडवर्ब कहलाता है अगला वर्ड है आर्बिट्ररी काफी कॉमन वर्ड है कोई भी काम अगर आर्बिट्ररी तरीके से हो रहा है ढंग से हो रहा है आप अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से कर रहे हैं आप दूसरों से नहीं पूछ रहे हैं दूसरों के विचारों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ये होता आर्बिट्ररी नेचर तो आपने लिखा बेस्ड ऑन रेंडम चॉइस और पर्सनल विम विम का मतलब खुद की समझ सोच समझ ठीक है रेदर देन एनी रीजन और सिस्टम किसी और को आप इंक्लूड नहीं करें कोई रीजन कोई सिस्टम आप इंक्लूड नहीं करें दैट इज कॉल्ड आर्बिट्ररी आपका दोस्तों एडजेक्टिव की तरह यूज होता है इसको याद ठीक है अगला वर्ड है कंप्लायंस वर्ड के लास्ट में एन सी -E होता है नाउन की तरह यूज होता है कंप्लायंस भी बिल्कुल वैसा ही है कंप्लायंस का मतलब है किसी चीज का अनुपालन करना है ना रूल्स रेगुलेशन का अनुपालन करना इज कॉल्ड कंप्लायंस आपने लिखा दी एक्शन ऑफ फैक्ट ऑफ कंप्लाइंग विद विश और कमांड किसी प्रकार के विश और कमांड है तो मतलब उसको आप अनुपालन कर रहे हैं उन रूल्स का वो आपका कंप्लायंस कहलाता है अगले वर्ड इसके लिए स्टोन वॉल स्टोन वॉल वर्ब की तरह यूज होता है दोस्तों स्टोन वॉल स्टोन वॉल किसी भी काम को करने के बीच में जो आपके आ, रोड़े आते हैं जो आपके ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं उनको हम स्टोन वॉल कहते हैं आपने कहा डिले करना और या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करना क्या एक रिक्वेस्ट प्रोसेस या फिर पर्सन को बाई रिफ्यूजिंग टू आंसर क्वेश्चन बाय बी Evasive होता है बचना आप उसमें मतलब चीजों को करने से क्या है कि आप कर रहे है, करने से प्रोसेस को रोकने का स्टोन वॉल कहलाता है इसको आप दोस्तों याद रखो फर्स्ट स्लाइड है आप लोग इसका स्क्रीन ले लेंगे दिस इज योर फर्स्ट स्लाइड फिर हम बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड पर सभी लोग स्क्रीन शॉट ले लें फिर हम बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड पर ठीक है दोस्तों hmm. चलिए अब बढ़ चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने दोस्तों ये रही ओके वर्ड के लास्ट में दोस्तों आईवी होता है ना तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है भी ऐसा है का मतलब है कोई काम आप कर रहे हो ना फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो जहां कहीं भी आप फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका एक्शन कोअर्जिव एक्शन कहलाएगा आपने लिखा रिलेटिंग टू या फिर यूजिंग फोर्स और थ्रेड्स फोर्स का इस्तेमाल करना थ्रेड्स का इस्तेमाल करना वो आपका होता है कोवर्जिव यह आपका एडजेक्टिव की तरह दोस्तों यूज होता है याद रखेगा अगला वर्ड है ड्रेडफुल ड्रेडफुल आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है यूज ऐसे याद रखिएगा किसी वर्ड के लास्ट में फुल लिखा है या फिर लेस लिखा है तो वो एडजेक्टिव ही होता है तो आप ड्रेडफुल आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है जिसका मतलब कोई भी चीज ऐसी है जो कि काफी ज्यादा भयानक है काफी ज्यादा खराब है बेकार है सीरियस है वो आपकी चीज ड्रेडफुल कहलाती है तो आप आपने कॉजिंग और इन्वॉल्विंग ग्रेट सफरिंग जहां ज्यादा से ज्यादा सफरिंग है फ़ियर है अनहैप्पीनेस है एक्सट्रीमली बैड है कोई चीज या फिर सीरियस है तो वो चीज आपकी भयानक है ये आप याद रखिएगा ड्रेडफुल हमने लिखा एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है ठीक है अगला वर्ड है आपके लिए डिसेमिनेट डिसेमिनेट का मतलब है कोई भी चीज फैला देना इसका कोई भी चीज जितनी ज्यादा फैल रही है चारों तरफ स्प्रेड होना आपका डिसेमिनेट कहलाता है डिसेमिनेट वर्ब की तरह यूज हुआ हमने लिखा है स्प्रेड होना यानी बहुत तेजी से spread होना, बहुत तरीके से spread होना होना तरीके दैट इज डिसमिनेट वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है इसे याद रखिएगा अगला वर्ड है अवोव्ड अबोव अब की वर्ब होती है अब इसे याद रखना है अबोव का मतलब क्या है कोई भी चीज जिसको पब्लिकली बता दिया जाए

आपका दोस्तों वर्ब की तरह यूज होता है इसको याद रखिएगा समझ गए अगले वर्ड की तरफ आते हैं अगला वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है रामशकल विच मीन स्पेशली ऑफ हाउस ऑफ व्हीकल कोई भी एक घर है या फिर कोई एक व्हीकल है इन स्टेट ऑफ सीवियस डिसरिपेयर में है मतलब अभी वो खराब सिचुएशन में पुरानी सिचुएशन में जर्जर जर हालात में उसकॉल्ड राम शिकल वो आपका राम शिकल कहलाता है एडजेक़्टिव की तरह यूज़ होता है, इसको याद रखो ये आपकी सेकेंड स्लाइड, बस अभी खत्म हो गई आपकी वो क्या आप? आर्टिकल पे पढ़ेंगे स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग दोस्तों ठीक है सब लोग इसका स्क्रीन ले लें डन परफेक्ट अब बढ़ चलते हैं आगे और सीखते जा रहे हैं तो आप सभी लोग थम्सअप में पहले ही लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर दें है ना इससे पहले कि कोई भूल जाए कह तो पसंद तो आया तो सर भूल गए करना ऐसा मत करना बिल्कुल भी तो थम्स अप जरूर दे दो तो मैं यहां देख रहा हूं आठ सौ लोगों ने थम्सअप दे रखा है थैंक यू वेरी मच दोस्तों और बाकी सारे लोग भी बिल्कुल बता दें अच्छा लग रहा है सब लोग थम्स अप करके बता दें सेशन में जितने थम्सअप होते हैं सेशन की वैल्यू भी उतनी हिसाब से होती है है ना आ जाओ ये अपने पास आर्टिकल है कैलिब्रेटेड क्लोजर्स आपको मालूम है दोस्तों कि अभी कोविड के वजह से लॉकडाउन लग रहे हैं ठीक है अब लॉकडाउन वन वीक का लगाया गवर्नमेंट ने तो कुछ स्टेट को लगता है नहीं वन वीक का नहीं, और आगे शिफ्ट कर देते हैं और आगे शिफ्ट कर देते और आगे शिफ्ट कर देते कई सारी स्टेट्स में थर्टी फर्स्ट ऑफ मे तक शिफ्ट कर दिया गया है ये लॉकडाउन आप लोग बताइए आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में लॉकडाउन की डेट अभी क्या है फिलहाल है ना तो हो क्या रहा है कि हम लॉकडाउन को आगे शिफ्ट शिफ्ट करते करते जा रहे करते जा रहे रहे हैं हैं इससे एक चीज तो बिल्कुल सामने है कि हाँ, लोग ज्यादा इकट्ठा नहीं हो रहे हैं सिर्फ काम की चीजों के लिए ही जा रहे हैं तो नंबर ये है लोग जब इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ट्रांसमिशन उतना नहीं होता है और उस हिसाब से हमें देखने को भी मिल रहा है कि जो डेटा है वो कम हो रहा है और जो कोविड के केसेस है दिन ब दिन थोड़े, थोड़े 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 करके कम हो रहे हैं बट सल्यूशन क्या है क्या ये सोल्यूशन है डेफिनेटली दिस इज नॉट दोल्यूशन अब जब लॉकडाउन लग जाता है तो लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत ज्यादा आता है जिसकी वजह से बहुत सारे के सारे लोग जिनका काम धंधा पूरी तरीके से अभी बंद है वो तो इकोनॉमिक लॉस में चलते जा रहे हैं आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा सिर्फ एक तरीके की चीज को हम नहीं समझ सकते दूसरी तरफ हमें जरूरत है वैक्सीनेशन के बहुत तेजी से लाने की वैक्सीनेशन तेज नहीं हुई है आपको मालूम है ट्वेंटी मिलियन लोगों को ही वैक्सीनेशन अभी तक लगा हुआ है बाकी अभी सिक्स हंड्रेड मिलियन लोग हैं तो सिक्स हंड्रेड मिलियन काफी बड़ा संख्या होता है तो ट्वेंटी मिलियन को लगा बहुत टाइम तो ऐसे लग जाएगा बात है कि तीन नई वैक्सीन हो जाएंगी तक और भी वैक्सीन आ जाएंगी तो अब ये सब तो लंबा प्रोसेस है मतलब शॉर्ट प्रोसेस तो तो नहीं नहीं तब तक लॉकडाउन तो लॉकडाउन लगा सकते तो यूनिवर्सल तो वैक्सीनेशन के लिए कि कोई जल्दी से सबको वैक्सीनेशन लग जाए क्योंकि संख्या काफी ज्यादा है वैक्सीनेशन कम है डोजेस अभी कम है लॉकडाउन शुड बी प्रसाइज एंड पेनलेस और जो लॉकडाउन होना चाहिए प्रिसाइज होना चाहिए और पेनलेस होना चाहिए जहां पर लोगों की जीविका पर इंपैक्ट ना आए ऐसा करके होना चाहिए आप पढ़ते हैं क्या क्या बोला गया है आप लोग बिल्कुल नहीं होना ध्यान से पढ़ते जन आराम से सब सबको समझ में आएगा देखो सेवरल स्टेट्स हैव एक्सटेंडेड कई स्टेट्स ने एक्सटेंड कर दिया कोरोना वायरस लॉकडाउन बी एंड मे थर्टी फर्स्ट मे थर्टी फर्स्ट से आगे भी कई सारे लोगों ने एक्सटेंड कर दिए कई सारी स्टेट्स ने जो जहां पर एक्सटेंड कर दिया है है ना वाइल फ्रेश केसेस अपियर टू शो अ डाउन ट्रेंड लेकिन जो फ्रेश केसेस है उनमें कमी आई है बट इंडिया कोविड 19 जो बैटल है लैक्स स्ट्रैटेजिक फोकस यहां पर स्ट्रेटेजिक फोकस की कमी है

रोड uh, ब्लॉक जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाता है रोड ब्लॉक का मतलब क्या है कि रुकावट आती है बेसिकली अ पर्टिकुलर कोई कोई रोड नहीं नहीं है 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 बस रुकावट हो जाती एंड वेग क्लियर होती ऑफ डोमेस्टिक रैंप अप फ्रॉम जुलाई सब्सिट्यूटिंग फॉर फॉर्म कमिटमेंट्स की जो फॉर्म कमिटमेंट्स में बना पाए एडिशन एड कर पाए तो ऐसे के लिए वेग अश्योरेंस यानी कोई पर्टिकुलर कोई क्लियर नहीं अनक्लियर है चीजें तब तो जब चीजें अनक्लियर होती हैं तो वो पूरी तरीके से परफेक्शन के साथ बनी नहीं पाती तो फिर वो बेकार हो जाती है सम स्टेट्स आर अनवाइजली टेकिंग द फुट ऑफ द टेस्टिंग पेडल कुछ जो स्टेट्स हैं अनवाइज तरीके से अपने आप को टेस्टिंग पेडल से दूर रख रही है क्या करके मेकिंग इट दैट मच हार्डर टू मैप द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ये काफी मुश्किल है ट्रांसमिशन के स्कोर्स को और अच्छे से मैप कर पाना डेटा अच्छे से नहीं मिल पाना अब यार जहां डेटा अच्छे से नहीं होगा यहां पर टेस्टिंग बढ़िया नहीं हो पाएगी तो फिर वहां पर आप इंप्लीमेंटेशन कोई सोल्यूशन कैसे कर सकते हो हालांकि नेम नहीं दिया कौन से स्टेट्स है बट सम स्टेट्स लिखा हुआ है तो सम स्टेट्स में एटलीस्ट दो तीन चार स्टेट्स हो सकते हैं ए मियाजमा ऑफ कंफ्यूजन कंफ्यूजन का एक अनप्लीजेंट सिचुएशन दैट इज मियाजमा सो ऑफ कंफ्यूजन हैज कम टू वो चारों तरफ फैला हुआ है कोविड कोविडीन पॉलिसी के आसपास की यार इसमें तो कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्या पॉलिसी बना रहे वेयर सेंटर नो लॉन्गर हैज एन एपेटाइट फॉर लीडरशिप जहां सेंट्रल गवर्नमेंट को लीडरशिप को लेकर बहुत ज्यादा आगे नहीं आ रही है कि यार मेन वो आगे आगे बढ़िया बड़े बड़े कदम उठाए इवन इफ इट मीन्स शनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हालांकि ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर होना फॉर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन ओनली टूल अवेलेबल विदेट इज अक डाउन की लॉकडाउन ही मात्र टूल बचाओ सिर्फ एक लॉकडाउन में आपको देखने को मिलता है कि लॉकडाउन हो रहा है तो उसके लिए तो एकदम जोरो से आके लॉकडाउन खत्म और बाकी बात हो रही है वैक्सीनेशन के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन करवाने के लिए क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं उसको लेकर कोई ऐसे बड़े स्टेप नहीं सामने आते हैं पॉइंट समझ में आ रहा है ना अंतर क्या की एक तरफ है स्टेप किसको लेकर सामने आते हैं कि लॉकडाउन करा दो कि ठीक है हमारे पास तो एक सोल्यूशन लॉकडाउन कर दो नुकसान किसका हो रहा है

टाइम हैज कम फॉर अ पैंडेमिक पॉलिसी रीसेट अब अब साइम आ चुका है कि पैंडेमिक पॉलिसी का रीसेट हो दैट रिफ्लेक्ट साइंटिफिक इन साइट जिसमें साइंटिफिक इंसाइट होंगे जो भी नया पॉलिसी बनाया जाए एनकरेजेस सेफ पब्लिक बिहेवियर को एनकरेज किया जाए थ्रू परजिव कम्युनिकेशन अच्छे से कम्युनिकेट करके मॉनिटरिंग करके एंड इंपॉर्टेंटली इन मेडिकल इंटरवेंशन ऑफ स्केल मेडिकल इंटरवेंशन को भी उसमें इंक्लूड करके इन कॉरपोरेट करके ये सब काम करके इसमें किया जा सकता है कि ठीक है पैंडमिक नई हम एक पॉलिसी बना सकते हैं वही पॉलिसी क्या है थोड़ा काम और कर पाएगी द मीडियम टर्म आउटलुक डज नॉट पॉइंट टू स्टीप राइज इन वैक्सीनेशन मीडियम टर्म आउटलुक क्या है मीडियम टर्म आउटलुक ये कि है कि हाँ ठीक है अभी वैक्सीनेशन है धीरे 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 करके आ जाएगा जब ज्यादा ध्यान नहीं देते हो तो ऐसा तो नहीं है वैक्सीनेशन आने में टाइम लगेगा ना सबको वैक्सीनेशन लगने में बाय द एंड ऑफ द ईयर टू कवर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ज्यादातर पॉपुलेशन को कवर करेंगे एंड ऑफ द ईयर में मेक एन इट इम्पेटिव इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फॉर स्टेट state, सभी स्टेट्स के लिए टू प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल फ्यूचर सर्जेस कि बाकी आगे पोटेंशियल फ्यूचर सर्जेस काफी ज्यादा हो सकती है फिर से केसेस में काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा ऐसा क्यों बताता तो हूं Although जो क्लेम्स किए जाते हैं हैव बीन मेड ऑफ ऑफ अ लार्ज वॉल्यूम थ्री की तीन बड़ी वॉल्यूम मतलब भारी मात्रा में वॉल्यूम के डोजेज होंगे वैक्सीन के डोजेज होंगे तीन के बिकमिंग अवेलेबल वो अवेलेबल हो जाएगी बिटवीन ऑगस्ट एंड दिसंबर लेकिन तब तक अवेलेबल होगी तो नेक्स्ट ईयर के आते आते तक कब तक वैक्सीनेशन लगेगा कोई क्लैरिटी नहीं है द रोड टू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन इज गोइंग टू बी लॉन्ग और वो डेफिनेटली है ना भी हो तो भी हमें पता है काफी लंबा समय लगेगा इसको इम्यूनाइज करने में ठीक है द प्रोसेस इज कॉम्प्लीकेटेड प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है बाई दी फाइंडिंग इन ब्रिटेन क्योंकि तो कुछ रिसर्च जो ब्रिटेन में हुई दैट इट टेक्स टू डोजेज ऑफ कोविशील्ड फॉर सिक्सटी परसेंट प्रोटेक्शन दो डोजेज दे लोगे डोजे परसेंट तक प्रोटेक्शन मिल जाएगी अगेंस्ट डोमिनेंट वायरस जो डोमिनेंस वायरस वेरिएंट है दैट इज आल्सो फाउंड इन इंडिया जो कि इंडिया में भी मिला जो सेकेंड डोज है देअर शुड बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर एट वीक्स आठ वीक्स के बाद सेकेंड डोज होनी चाहिए नॉट ट्वेल्व एंड सिक्सटीन सब देशों में अलग, अलग 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 ये भी है तो आप पता है क्लैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं बट फिर भी आप देखोगे एक व्यक्ति का आज डोज लगता है आठ वीक के बाद भी डोज लगता है क्योंकि एक आर्टिकल में हमने ये भी पढ़ा था कि जितना ज़्यादा कुछ कुछ लोग थे जिनमें छह वीक में डोज लग गया था कुछ के में बारह वीक में डोज लग गया था तो जिन्होंने बारह वीक में सेकेंड डोज लगा था ना वो फिफ्टी परसेंट ज़्यादा उनके अंदर इम्यूनिटी बढ़ गई तो ये चीज़ थोड़ा एक डेटा है मतलब हर जगह ही काम आता है कि नहीं आता पता नहीं बट एक डेटा है तो उसके हिसाब से टाइम तो लगेगा एक पर्सन को इम्यूनिटी के लिए पहले लगा उसके बाद वीक्स बाद में लगेगा 16 समझ रहे हो चार 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 महीने का समय लग गया कम से कम तो तीन से चार महीने का समय और बाकी आठ वीक कर लोगे तो यार दो महीने का ही समय समझ लो फिर भी समय तो लगेगा स्टेट्स कैन डू इमीजिएटली आप तुरंत स्टेट्स क्या कर सकते हैं इज टू अराइव एट अ गुड लॉकडाउन प्रोटोकॉल कि गुड लॉकडाउन प्रोटोकॉल हो स्पारिंग पीपल फ्रीक्वेंट शॉक्स और लोगों को फ्रीक्वेंट शॉक्स ना मिले उससे दूर रखा जाए तमिलनाडुज रीसेंट मूव है टू इंटेन्फाई दॉकडाउन एंड इनएक्सप्लीकेबली अलाउ इवन ज्वेलरी एंड क्लोथिंग शॉप ज्वेलरी शॉप को अलाउ कर दिया क्लोथिंग शॉप को अलाउ कर दिया टू ओपन दैट और एक ही दिन के लिए ओपन कर दिया उससे पहले क्या हो गया तुरंत लेट टू मैसिव क्राउडिंग बहुत सारे लोग भारी मात्रा में पहुंच गए ट्रिगर्ड बाय इंडस डिमांड क्योंकि डिमांड ज्यादा थी तो लोग वहां पहुंच गए क्लोथिंग कपड़ों के लिए पहुंच गए ज्वेलरी वाले लोग पहुंच गए जिनको ज्वेलरी लेनी थी फिर से बहुत सारी भीड़ हो गई तो एकदम से हो जाती है तो यार कोई मतलब इतने दिनों का लॉकडाउन लगने कोई मतलब नहीं रहा एकदम से भीड़ हो गई पॉइंट समझ में आ रखे तो क्या कर सकते हो क्लियरली मेजर्स टू सट डाउन एवरीडे एक्टिविटी लीड टू फियर एंड पैनिक आप हर दिन आप रोकोगे तो फिर ये फियर और पैनिक बढ़ेगा लोगों के अंदर एंड लीव लेस एफ्लुएंट सेक्शंस और जो लेस एफ्लुएंट सेक्शंस है थोड़ा गरीब सेक्शन है डिसेबल्ड सेक्शन है माइग्रेंट वर्कर्स हैं, मैनी सिंगल इंडिविजुअल्स हैं, अनेबल टू कोप वो फिर मैनेज नहीं कर पाएंगे ऐसी सिचुएशन में। गोल्डन मीन वुड बी क्या होगा कि शट ऑल नॉन एसेंशियल शॉप्स जो नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं उनको तो बंद रखा जाए एनकरेज रिमोट ट्रांजेक्शन जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हो रिमोट ट्रांजेक्शन किए जाए रिमोट ट्रांजेक्शन मतलब दूर से ही ओपन स्ट्रीट सेल्स सेल्स ओपन हो एंड होम डिलीवरीज ओपन हो एक्टिवली मॉनिटर किया जाए कि सब लोग कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कोविड प्रोटोकॉल्स को इन पब्लिक प्लेसेस में और वैक्सीनेट कराया जाए एटलीस्ट जो वर्कर्स हैं इन सर्विसेज इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वर्कर्स ऑन प्रायोरिटी ये सब ऑन प्रायोरिटी होना जरूरी है फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी अ सेंट्रल फीचर ऑफ लॉकडाउन ये मेन फीचर होना चाहिए फ्री फूड डिलीवरी हो उन लोगों तक जो कि डिसेबल्ड है अगेन माइग्रेंट वर्कर से या फिर लेस एप्लुएंट सेक्शन है तो तभी जाकर आप सारी चीजों को थोड़ा-थोड़ा करके मैनेज कर पाएंगे अदरवाइज लॉकडाउन तो लगाने से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट तो नहीं आएगा ना लॉकडाउन लगाया उसके बाद जिन लोगों की जीविका गई फिर वो लोग क्या करेंगे सिचुएशन खराब ज्यादा ना हो उसके लिए पहले से ही ऐसे पॉइंट रखने जरूरी हैं बात समझ में आई तो एक बार जरा मुझे बता दें जी सर वी गॉट इट हमें समझ में आ गया एक बार सब लोग बोल दें पूरा आर्टिकल आराम से आपने समझ लिया वर्ड टू वर्ड है ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको दिक्कत करे परेशानी करे है ना सब कुछ बंद होने के बाद लोग भी बंद हो जाएंगे अरे हम्म तो बंद तो हो जाएंगे ये बात समझ में आई कमेंट में कुछ अलग ही चल रहा है हाँ वो ही चल रहा है अच्छा लॉकडाउन बंद हो गया है लॉकडाउन हो गया सब बंद हो गया फेसबुक बंद हो जाएगा इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा अच्छा पॉलिसी वाला जो अभी हम पढ़ रहे हैं आ रहे हैं तुम्हारे फेसबुक चाहिए थे तुम्हारे इंस्टाग्राम चाहिए थे सब पर आ रहे हैं मुझे मैं तुम्हें एक बो बताता हूँ मैं इंस्टाग्राम की बताऊँ इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर अगर मैंने कभी कुछ मौज मस्ती या कुछ पोस्ट कर दिया तो वहाँ पर कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि इसकी जगह कुछ पढ़ाई का पोस्ट कर देते तो बढ़िया रहता हमारा कुछ इस्तेमाल हो जाता तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पढ़ने कौन जाता है <laughs> तो मैं किसने एड्रेस दिया कि फेसबुक पे जाके पढ़ाई करो तो मैं यूट्यूब पर क्लास मिलती है जब आपको पूरी की पूरी सुबह से लेके शाम तक पाँच पांच छह छह घंटे की उसमें जी नहीं भरता <laughs> कितने लोग हैं जरा बताना जो लोग इंस्टाग्राम पे जाते हैं हम तो पढ़ाई करने जा रहे हैं मम्मी जा रहे बेटा मम्मी इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं पढ़ाई करने अच्छा पापा का जूता का है वो नौ नंबर वाला कहा जा रहा है बेटा नहीं मम्मी नहीं है कहीं नहीं जा रहा हूं <laughs> सुधर जाओ तुम लोग इंस्टाग्राम पे पढ़ाई करोगे दिख रहे हैं तुम्हारी हरकतें है ये यहाँ पढ़ाई करोगे कहा पढ़ाई करोगे ये तो, ये तो वही वाली बात होगी दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करने जा रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है जाओ ग्रुप स्टडी करने लेकिन बैट लेकर जाऊंगा मैं और एक बॉल भी भी थोड़ा कुछ एक्सपेरिमेंट करना है लेकिन हम ग्रुप स्टडी करेंगे अच्छा करवा रहे तो मैं ग्रुप स्टडी चलो आगे तुम्हारा इंस्टाग्राम तुम्हारा फेवरेट चलो उसको पढ़ लेते हैं देखो दोस्तों है क्या ये आर्टिकल बेसिकली किसको लेकर है आपके इंस्टाग्राम फेसबुक और बाकी व्हाट्सएप बाकी सभी मीडिया, मीडिया सोशल मीडिया ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर है डिजिटल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट ने रूल निकाला था फैब में फेब्री में और रूल ये निकाला था कि कुछ चीजों को कंप्लाई करना पड़ेगा जैसे कोई भी कोई भी पोस्ट कर देता है तो पता होना चाहिए कि सोर्स कहाँ है एक कोई नोडल ऑफिसर होना चाहिए एक कोई ऑफिसर होना चाहिए जो इंटरमीडियट की तरह काम करेगा तीन चार ऑफिसर्स पहले हम लोगों ने पढ़े थे ना देखो कोई एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए एक एनफोर्समेंट एजेंसीज होनी चाहिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को होनी चाहिए उससे कौ, उससे कोऑर्डिनेट करने के लिए मतलब नोडल ऑफिसर होना चाहिए ग्रीवांश ऑफिसर्स होने चाहिए आप अपनी आपको लगता है आपको कोई पोस्ट है वो गलत है या खराब हो रखी है किसी भी तरीके की डिफेमेटरी पोस्ट पोस्ट है आप उसे अटैक कर सकते हो तो उसके ऊपर चौबीस घंटे के अंदर कार्यवाही हो यह सबके लिए आपको सबसे पहले एक पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा बना लेते हो सेटअप तो, तो ठीक है नहीं बना लोगे तो आपको बंद करना पड़ेगा आप नहीं चला सकते ये करके बातें फिलहाल अभी चल रहा है वो चलता रहेगा

व्हाट्सएप के साथ भी चल रहा है व्हाट्सएप ये सारी की सारी चीज चल ही रही है समझ रहे हो हाँ ये सब कुछ सब कुछ चल रहा है आओ जरा यहाँ पर देख लो ठीक है और ऐसा कुछ नहीं हो गया कि मार्ग जुगरबर का काम खत्म हो गया तो कैसे लिख रहे हो तो सुधर जाओ किसी के बारे में बोलने से पहले उसके आसपास तो हो जाएगा कुछ भी काम खत्म हो गया तुम पढ़ लो पहले तुम्हारा काम तो चलने लग जाए कम से कम दूसरे का काम खत्म हो गया अपना काम तो पढ़ा लो अभी सिलेक्शन विलेक्शन ले लो उसके बाद बाकी सारी चीजें करना आप ऑफिसर की तरह सोचो इसका आंसर चिरकुट की तरह मत सोचना ऑफिसर की तरह ठीक है आप तुम लोग कमेंट देख रहा हूँ ना नाम रख दूंगा मैं चिरकुट तो नाम लेकर की ये और चिरकुट ऑफिसर की तरह सोचो यार ऑफिसर तो कैसे सोचते हैं बताओ रूल्स एंड रूलर्स रूल्स क्या है रूलर्स कौन है रूलर्स तो सरकार है है ना सो द गवर्नमेंट मस्ट हियर आउट गवर्नमेंट को सुनने की जरूरत है दी सोशल मीडिया इंडस्ट्री को एंड शेड इट्स आर्बिट्ररी रूल मेकिंग और मनमाने ढंग से जो रूल सरकार बनाती है उसको थोड़ा शेड करने की हटाने की भी जरूरत है कुछ कुछ कैसे और किसकी बात हो रही है आप समझेंगे पूरा पूरा समझोगे तब जाके दिमाग में क्लैरिटी आएगी देखो क्या लिखा है इट डज सीम ऐसा प्रतीत होता है दैट मोस्ट की जो ज्यादातर है इफ नॉट ऑल ग्लोबल सोशल मीडिया जाइंट्स सारे ग्लोबल सोशल मीडिया जॉइंट नहीं बट हां ज्यादातर जो है विल मिस कम्प्लाइंग विद्यू आई टी रूल ऑफ इंटरमीडरीज जो नए आई टी रूल्स ऑफ इंटरमीडरीज है उससे कंप्लाई नहीं कर पाएंगे ये ऐसा प्रतीत होता है विच कम इंटू इफेक्ट जो कि इफेक्ट में आएगा टूडे आज से छब्बीस तारीख से आज से इफेक्ट में आएगा इट वुड बी अनफॉर्चुनेट तो ये थोड़ा दुर्भाग्यवश होगा इफ दिस

मंग अदर थिंग्स बाकी सारी चीजों के बीच में दे रिक्वायर द बिगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसमें जरूरत क्या थी कि जो बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो क्या करें विच रूल्स विच द रूल्स ज को लेकर होंगे वो क्या करें टू अडियर टू जिनको उन्हें बहुत ही मजबूती सेट ऑफ रूल विद इन थ्री मंथस और जो कि इन तीनों महीनों तीन महीने के अंदर करना था विच एंडेड ऑन मे ट्वेंटी फिफ्थ मे ट्वेंटी फिफ्थ के अंदर वो कंप्लीट हो गया है, अब उसके बाद से यह रूल स्टार्ट हो जाएगा यानी आज से रूल स्टार्ट हो गए सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की कोई भी कोई अगर पोस्ट करता है जो कि पोस्ट खराब होती है किसी भी तरीके की फेक न्यूज होती है तो उसे अच्छे से पकड़ा जा सकता है ये बात खैर है तो अच्छा कुछ कुछ चीजें बहुत बढ़िया है उसके लिए अगर कई बार ऐसा होता है कि फेक न्यूज बहुत तेजी से फैलती है बहुत तेजी से वायरल भी हो जाती है और उसको छुपाने के लिए हटाने के लिए जब आप अच्छी न्यूज देते हो तो वो इतनी वायरल नहीं हो पाती ये एक बार का नहीं हमेशा से ऐसा है, है ना हमेशा से ऐसा तो वैसे कुछ चीजें बहुत सही है बट इसके लिए भी टाइम बहुत लगेगा दे रिक्वायर डीज प्लेटफॉर्म्स तो क्या जरूरत है रूल्स के अकॉर्डिंग की जो प्लेटफॉर्म्स है टू अपॉइंट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स ये चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स को अपॉइंट करें वो ऑफिसर्स काम करेंगे क्या इन ऑर्डर टू मेक श्योर द रूल्स आर फॉलोड वो ये ध्यान रखेंगे कि सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट करें जो कि ये ध्यान रखेंगे टू कोऑर्डिनेट विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे नोडल ऑफिसर्स और एक ग्रीवांश ऑफिसर्स भी कुछ होने चाहिए जो कि आपकी बातें सुनेंगे कि अच्छा ये दिक्कत, ये दिक्कत है 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 ये सब कुछ की जरूरत है अनदर रूल रिक्वायर्स मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप टू ट्रेस प्रॉब्लमैटिक मैसेजेस आप प्रॉब्लोमेटिक मैसेजेस को ट्रेस करें कि ये कहां से आया इसका सोर्स इ्स ओरिजिनेटर्स originators, उसके ओरिजिनेटर को पहचाना जाए रेजिंग अन ईजी क्वेश्चन अबाउट हाउ हाउ सर्विस अब इसमें सवाल यह होगा कि जो एन टू एंड कैसे दे सकता है क्योंकि व्हाट्सएप तो क्या था एन टू एंड इनक्रिप्शन देते हैं हम ना तो किसी के मैसेजेस को पढ़ते हैं ना ही किसी के मैसेज को कहीं दे सकते हैं स्क्रीन शॉट कोई देते इज अ डिफरेंट थिंग स्क्रीन शॉट कोई देता इ डिफरेंट थिंग बट स्क्रीन शॉट की तो वैल्यू ही नहीं है ना स्क्रीनशॉट तो एडिटेबल होते हैं कोई भी कहीं से एडिट करके किसी का भी स्क्रीनशॉट कुछ भी लगा सकता है मेन चीज होती है वो सोर्स वो सोर्स तो व्हाट्सएप ही देगा तभी जाके पता चलेगा ना वरना नहीं पता चल पाएगा पॉइंट समझ में आ रखिये दोस्तों एक बार मुझे यस बोले तो अभी दिक्कतें भी होता रहे हैं कि मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ सरकार की अभी क्या क्या चीजें रिलेशन ठीक थोड़े से नहीं चल रहे हैं

पब्लिक कंसल्टेशन ना होने वाली चीज आपको आज दिन देखने को मिलती रहती है थी कि यार ये वाइड कंसल्टेशन होना चाहिए था चलो कोई नहीं अब तो गवर्नमेंट ने किया बट फिलहाल सिचुएशन क्या है हम लोग देख रहे हैं देर हैज बिन काफी क्रिटिसम भी हुआ अबाउट अबाउटिंग अपलाई प्लेथोरा ऑफ न्यू रूल्स कितने सारे नए रूल्स के लाने का दैट ऑट टू बी नॉर्मली ट्रिगर्ड ओनली बाय लेजिस्लेटिव एक्शन जिसको सिर्फ एक लेजिस्लेटिव एक्शन लॉफुल एक्शन करके भी किया जा सकता है तो उसके लिए ये सब कुछ करना काफी uh, मतलब क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज किया यार आप ये सब कुछ काम करो जिसको तरीके से किया जा सकता अब तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनके पास और भी ऑप्शन होते हैं बताने के बट नॉन कम्प्लायस अब आते हैं कि जो लोग नहीं मानेंगे तो क्या होगा देखो

ट्विटर जब ट्विटर ने अटैक कर दिया था कुछ सर्टेन पोस्ट ऑफ बीजेपी स्पोक्स पीपल एज मेनिपुलेटेड मीडिया कल हम लोगों ने पढ़ा था मेन्यपुलेटेड मीडिया तो उसके बाद से और तो इन लोगों एकदम कानों से धुआं निकल रहा है उसकी वजह से दिल्ली पुलिस चली भी गई ट्विटर के ऑफिस में है ना

वॉट एवर दैक स्टोरी बैक स्टोरी चाहे कुछ भी रही हो चाहे व्हाट्सएप पर प्राइवेसी पॉलिसी को रही हो चाहे ट्विटर को लेकर रही हो इट इज इंपॉर्टेंट दैट द सोशल मीडिया कंपनीज फाइट द न्यू रूल्स कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनको नए रूल्स में फाइट करना होगा इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इफ दे फाइंड दैम टू बी प्रॉब्लोमैटिक अगर उन्हें लगता है कि यार ये तो प्रॉब्लमैटिक है हम नहीं से अप्लाई करवा हम नहीं से फॉलो कर पाएंगे तो फिर वो कोर्ट जाएंगे फिर कोर्ट के बाद केस चलेगा केस पे केस चलेगा तारीख पे तारीख आएगी और आगे चल के हमें पता चलेगा क्या होने वाला है बट फिलहाल सिचुएशन ये है दी अदर ऑप्शन दैट ऑफ एंगेजिंग विद द गवर्नमेंट मे नॉट वर्क इन दीज स्ट्रेन टाइम्स हो सकता है अभी जो फिलहाल स्ट्रेन का टाइम है इस वक्त काम ना करे बट स्टोन वॉलिंग मतलब एक तरीके रुकावट की तरह होगा ऑन दी क्वेश्चन ऑफ कंप्लायंस कैन नेवर बी जस्टिफाइड इसे कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इवन इफ इट इज टू बी अज्यूम दैट द यूएस गवर्नमेंट हैज देयर बैक भले यूएस गवर्नमेंट का उसका सपोर्ट हो देखो हर एक कंट्री के अपने अपने रूल होते हैं और रूल के अकॉर्डिंग ही सारी चीजों को चलना होता है जैसे इंडिया के रूल आपने देखा कि कोई हम डेटा प्रोटेक्शन लॉ की बात करेंगे नहीं है कोई लॉ है ना बट वही अगर बाकी कंट्रीज की बात करोगे तो वहां पर डेटा प्रोटेक्शन लॉ है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें उनके लिए सेफ हो जाती है तो वो एक अलग चीज है गवर्नमेंट अपने अपने लॉ बनाती है अपनी अपनी चीजें बनाती है लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बट उन सारी चीजें जब एकदम से कई सारी चीजें बन जाती है तो फिर फॉलो कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वही सिचुएशन फिलहाल अभी यहां पर हमें देखने को मिल रही है समझ गए सो फेसबुक ऑन इट स्पॉट अब अपनी तरफ से अगर फेसबुक की तरफ से देखें हैज मेड ऑल राइट नॉइजे सब इन्होंने सही चीजों को पकड़ा है इट हैज सेड दैट इट एनस टू कंप्लाई विद द न्यू रूल्स की सभी नए रूल्स है उसको वो कंप्लाई करेंगे बट ऑल्सो नीड्स टू एंगेज विद द गवर्नमेंट बट गवर्नमेंट को भी इंगेज मतलब थोड़ा डिस्कशन करने की जरूरत तो है ऑन फ्यू इशूज मतलब ऐसा नहीं कह सकते आप सारी चीज कुछ चीजों पर डिस्कशन करने की जरूरत तो है वरना तानाशाही टाइप का हो जाएगा वट इज इम्पोर्टेंट इज दैट देन्युन कंसर्स ऑफ सोशल मीडिया तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तो उनको डिस्कशन uh, किया जाए बात की जाए और उसका कोई सोल्यूशन जाए अपार्ट फ्रॉम इशूज अबाउट दी रूल देर है ड्यूरिंग द पैंडेमिक भैया अभी आप कंप्लाई करो तो एक चीजें भी थोड़ा प्रॉब्लम और क्रिएट कर देती है एज रिपोर्टेड बाय द हिंदू फाइव इंडस्ट्री बॉडीज इंक्लूडिंग दी CII FICCI आई एफ आई सी सी आई एंड यू एस इंडिया बिजनेस काउंसिल हैव शॉर्ट एन एक्सटेंशन ऑफ सिक्स टू ट्वेल्व मंथस इन्होंने एक्सटेंशन मांगा था कि छह से बारह महीने का एक्सटेंशन मिल जाए फॉर द्लाइंस उसके बाद ये ये कंप्लाई कर लेंगे क्योंकि इन सारी चीजों में टाइम लगेगा प्लेटफॉर्म कोई छोटा तो है नहीं स्ट्रेटेजी जो आप बनाओगे वो एकदम छोटी तो होगी

स्लोइंग दी पेस ऑफ इंडियाज म्यूकोर माइकोसिस थ्रेट जो इंडिया का म्यूकोर माइकोसिस थ्रेट है उसकी गति क्या है स्लो हो गई यानी कि जो ब्लैक फंगस की हम बात कर रहे थे द एक्सपीरियंस ऑफ ऑनकोलॉजिस्ट हु रिलाय ऑन स्टेरॉयड बेस्ड प्रोटोकॉल जो स्टेरॉयड बेस्ड प्रोटोकॉल से जो उन पर रिलाई करते थे कर करते हैं ऑफर्स लेसन इन प्रवेंटिंग एंड मैनेजिंग केसेस अब उनके पास कुछ सीख है जैसे वो केसेस को रोक सकते हैं मैनेज कर सकते हैं क्योंकि स्टेरॉयड हर किसी में यूज नहीं होगा ये करके भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था अलार्मिंग राइज अचानक से जो केस बढ़े थे इंडिया में रिसेंटली इन in एक रेयर फंगल इन्फेक्शन है इन पेशेंट्स उन पेशेंट्स में होता है who have been diagnosed हुआ था जिनको डायग्नोज कर चुके हैं जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है कोविड नाइनटीन यानी जो कोविड नाइनटीन से सही हो चुके हैं ज कम एज नो सरप्राइज टू दो इन देडिकल ऑनकोलॉजी कम्युनिटी तो उनके लिए कोई सरप्राइज वाली बात नहीं थी कि ऐसा हो सकता है क्योंकि ध्यान ना दिया जाए तो दिस आउटकम वॉज आर ग्रेटेस्ट फियर ये सबसे ज्यादा फियर था एट दी एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेक्सा मेथोसोन क्योंकि ये इसका इस्तेमाल किया जा रहा था अदर स्टेराइड थे बिगेन टू बिकम कॉमन ये बड़े कॉमन हो गए थे लोग और डॉक्टर सब इसको यूज कर रहे थे इनफैक्ट लोगों कॉमन लोगों को भी इनके नाम याद हो गए थे एज ऑनकोलॉजिस्ट रिलाय ऑन स्टेरॉयड्स जो स्टेरॉइड्स पर ज्यादा रिलाई करते हैं इन मैनी ऑफ आ प्रटोकॉल्स में एंड हैविंग मैनेज सेवरल केसेज और उन्हें कई सारे जो केसेस थे माइक्रोमाइक्योसिस के वो म्यूक्रोमाइक्योसिस uh, के वो उन्होंने हैंडल किए हुए हैं वी आर एक्यूटली अवेयर टो हम एक्यूटली अवेयर हैं दैट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स नीड टू डिफर वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से उनको अलग अलग होने की जरूरत है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग पेशेंट के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होनी जरूरी है ड्यू टू दी कॉम्प्लेक्सिटीज इन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड एन इंडिविजुअल टॉलरेंस और टू ट्रीटमेंट हर एक व्यक्ति की ट्रीटमेंट की टॉलरेंस की क्षमता कितनी है उसके हिसाब से क्योंकि देखो जब आप किसी का ऑपरेशन करते हो तो ऑपरेशन करने में आप देखते हो ना कि उसकी जो व्यक्ति की फिलहाल जो भी स्ट्रेंथ है बॉडी के स्ट्रेंथ वो क्या ऑपरेशन झेल पाएगी तभी तो आप ऑपरेशन करोगे अदरवाइज नहीं करोगे ऐसा तो एनी कि ऑपरेशन तो करते चले गए तो एक वही सिंपल सा पॉइंट है लेकिन सुनने में सिंपल लग रहा होगा इतना सिंपल है नहीं क्योंकि जब डॉक्टर्स इलाज कर रहे होते हैं और व्यक्ति जब बच नहीं पा रहा होता है तो उसके पास जो भी ऑप्शन बेस्ट पॉसिबल चीज़ होती है वो करके उसको बचाने की कोशिश करता है पेशेंट तो बच गया पेशेंट बचने के बाद अब क्या सिचुएशन आ रही है कि यार के केसेस आने लग जाते हैं तो ये सिचुएशन खराब हो जाती है तब जाकर हम लोग डॉक्टर्स को कहने लग जाते हैं कि अरे डॉक्टर

तो एक ये पॉइंट है जो कि हर किसी में नहीं बट कुछ कुछ में होता है तो बट ये प्रॉब्लम है बट ये आपका डिस्कशन आपको करना है वह अभी खुद पढ़ोगे ठीक है एक ये वाला आपको खुद पढ़ना है और दूसरा वाला आपको नेक्स्ट पेज वाला पढ़ना है ये वाला इंटरप्रेटिंग डेथ इन चेन्नई ठीक है दूसरा आपको ये पढ़ना है ये दो आर्टिकल पढ़ने हैं दीस टू आर फॉर योर होमवर्क ठीक है बाकी दोस्तों हम इसे खत्म करेंगे और आप सब लोग आज 9:00 बजे मिलो हम पेपर डिस्कशन करें बहुत सारे लोगों के लिए कल मैंने एक पेपर डिस्कशन ना करा के मैंने आप लोगों को एक पुराना एक क्लास था जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे मैंने वो करा था प्रीवियस पेपर आज हम डिस्कशन करेंगे टेस्ट का

इसे ज्वाइन कर लेना आपकी आ, कई सारी इंफॉर्मेशन होती है मिल जाती है जैसे कोई नया बैच आया उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई आप ऑलरेडी हो आपने एनरोल कर लिया कुछ भी उसमें ना पैसा लगना ना कुछ कोई नई क्लास आ रही है कोई कोई नई वीडियो आ रही है, कोई आ रही रही है है सब आपको में मिल जाते तो एक ये आप ग्रुप डिस्कशन नहीं कर सकते बस आप ज्वाइन कर लेना हमारी तरफ से उसमें पेन आता रहेगा मेरी भी क्लास अरुण सर की पुनीत सर की अभिजीत सर की हम चारों की चीजें आपको यहाँ पर मिलती जाती है ठीक है दोस्तों तो इसी में से आप डाउनलोड करते जाना आराम से तो सब लोग इसको ज्वाइन कर लेना ठीक है बाकी हम करते हैं दोस्तों खत्म कोई दिक्कत समस्या आएगी मुझे बताना आज तारीख है छब्बीस होगी वो अभी देखो अभी सही हो जाएगी छब्बीस तारीख है और छब्बीस तारीख को आपका एक नया बैच शुरू हो रहा है और वो छब्बीस तारीख से बैच शुरू हो रहा है दोस्तों उसमें आपके सामने अरुण सर की क्लास है ठीक है मेरी क्लास है तो अरुण सर की क्लास है विशाल सर की क्लास है ऑलरेडी चल रही है स्टार्ट हो चुकी है लास्ट वीक पुनीत सर की क्लास और वहां पर फिर अभिजीत सर की क्लास भी होगी तो चारों के चारों टीचर की क्लासेस स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी हैं अभिजीत सर की एक और नई स्टार्ट हो जाएगी तो अब आप यहां पर पढ़ो अगर आपने क्लास में टारगेट किया हुआ एस बी क्लर्क के एग्जाम को लेकर अब देखो कैसे अरुण सर के लिए भी आप मैथ्स के दो बैच हैं आप जिसमें आप वीक होंगे आप उस हिसाब से पढ़ना फॉर एग्जाम्पल आप बारह बजे वाले बैच में पढ़ोगे अगर डी पढ़ो वहां पर सात बजे वाले शाम के बैच में पढ़ोगे अगर आप तो वहां पर आपका

तो आप के लिए यहाँ पढ़ सकते हो तो आपको जब टाइम हो तब आपको पढ़ना है मतलब ऐसे करके आप पढ़ो सर के लिए भी आपकी दो क्लास है एक तीन बजे चलती है और एक छे बजे चलती है ये आपकी पुनी सर की क्लास है तो आप ऐसे करके पढ़ोगे अभिजीत सर की क्लास के लिए आपको दोपहर में एक बजे रात बोल दिया मैंने दोपहर में एक बजे अभिजी सर की क्लास है अब क्लासेस हो तो सारी है तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक करोगे क्लास में आना क्लास में आगे पूछना आप किस में वीक हो क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से आप वो वाली क्लास हम आपको रिकमेंड कर लेंगे वैसे करके आप पढ़ लो इसके लिए अब आप आपको एक ही काम करना है आप उसका सब्सक्रिप्शन लेना और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड लगाना लिखा होना एवी बी टेन टेन परसेंट आपको ऑफ मिल जाएगा और सारी क्लासेस मिल जाती है ऑल एजुकेटर्स सारी क्लासेस मिल जाती हैं वन ईयर सब्सक्रिप्शन लेना पूरा तो वन ईयर सब्सक्रिप्शन से क्या होगा कि जितनी भी क्लासेस अभी हैं आगे आने वाले सभी एग्जाम्स की जो क्लासेस है सब कुछ मिल जाएगा कुछ भी आपको एक भी चीज कभी कहीं परचेस करने की जरूरत नहीं ऐसा नहीं कि आप आते हो फिर आपको किताब कहीं से परचेस करनी है कुछ और कहीं से कुछ नहीं करना आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिलता जाएगा कुछ भी आपको परचेज नहीं करना है कहीं से भी ठीक है बाकी दोस्तों आपसे करते हैं खत्म कोई दिक्कत समस्या और आए तो मेरे को बता देना ठीक है चलो खत्म करते हैं दोस्तों मिलते हैं आपसे नौ बजे नौ बजे मिलो आप सभी लोग ठीक है तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल जय हिंद जय भारत थैंक यू दोस्तों थैंक यू